आज नगर परिषद के 49 पार्षद जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश हुए हैं और उपसभापति अनिल खिचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है और जो 48 पार्षद यहां मौके पर मौजूद हैं उनकी परेड करा दी गई है और एडीएम साहब ने बकायदा आके अविश्वास प्रस्ताव जो मत हमने रखा है वो उनको सौंप दिया है। अब वो जितनी तारीख मीटिंग की देंगे उस तारीख को हम सभी पार्षद वहाँ मौजूद होकर इस अविश्वास प्रस्ताव को पास कराएंगे और आगामी जो भी आदेश कलेक्टर साहब का होगा उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद। वो उनका काम है, माननीय उच्च न्यायालय में अगर वो जाते हैं तो वो उन्होंने देखना है, हमने उसको फेस करना है और इसीलिए अब जो सरकार जब चेंज हुई है तो उपसभापति अगाबाज कोर्ट में जाकर अगर वो स्टे की कार्रवाई करते हैं तो शहर की जनता भी देख रही है और मीडिया भी देख रही है। जिस व्यक्ति के खिलाफ आज 50-60 में से 50 पार्षद मौजूद खड़े हैं और उसमें 3 पार्षद अब हमारे एबसेंट भी हैं, वो भी पहुंच जाएंगे। जिस व्यक्ति के साथ गिनती के 4 पार्षद हों और वो शहर की सभापति की गद्दी पर बैठने की इच्छा रखता हो, मैं कहता हूँ बड़ी शर्म की बात है उस आदमी के लिए। वो उस बात का एक भ्रम है उनका और वो सिर्फ विकास की जो निरंतरता उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और मैं ये मानता हूँ भी उन्हें इस बात से, अब जब आदमी के पास कुछ नहीं रह जाता तो उसे आराम से घर बैठना चाहिए। उनको जब अपनी मनोदशा और अपना जब दूध का दूध और पानी का पानी दिखने लग जाए तो उस व्यक्ति को हाथ पैर नहीं मारने चाहिए, उनको अपने घर बैठना चाहिए। परंतु उसके बावजूद भी वो ये चाह रहे हैं भी शहर की जो सभापति की गद्दी है मुझे मिले। तो मैं मानता हूँ भी उच्च न्यायालय में भी जो बैठे हैं हमारे माननीय जज साहब और वो भी कोई चीज़ को देख के कोई निर्णय लेंगे और बाकी सारा शहर इस बात को देख रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। 9 या 10 दिन का जो मीटिंग का टाइम है वो मिलेगा, उसके बाद लगभग उनको भी पता है भी मैं हटने वाला हूँ। तो अभी आप लोगों के सामने हैं मौजूदा 49 साइन आपके सामने हैं, 3 हमारे, 1 MLA और अभी 2 या 3 पार्षद हमारे और बाकी हैं वो बाहर हैं, वो आ जाएंगे। उनके खिलाफ़ आज 52 से 53 व्यक्ति उनके खिलाफ़ खड़े हैं तो मैं मानता हूँ अभी कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अभी उनके खिलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव जो है बिल्कुल पास होगा।